नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण और आप सभी का स्वागत है IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन 1897 में पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का जन्म हुआ। वह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा। केवल 23 वर्ष की अवस्था में वे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना दल के सदस्य बने थे। जाकिर हुसैन भारत के प्रमुख शिक्षाविद थे। इन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में भी सेवा की। आज के दिन 1941 में मशहूर गायक जगजीत सिंह का जन्म हुआ। जगजीत सिंह ने उर्दू और गजलों को हिंदुस्तान के हर घर में जगह दिलाई। वह बेहद लोकप्रिय गजल गायकों में शुमार हैं। खालिस उर्दू जानने वालों की मिल्कियत समझी जाने वाली नवाबों रक्कासाओं की दुनिया में झनकती और शायरों की महफिलों में वाहवाह की दाद पर इतराती गजलों को आम आदमी तक पहुंचाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। उनका जन्म 8 फरवरी 1941 में हुआ था और मृत्यु 10 अक्टूबर 2011 मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। आज ही के दिन 1971 में इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार नैस्डैक की शुरुआत हुई। नैस्डैक दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार था। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट पर पिछले 4 दशकों से भी ज्यादा समय से नैस्डैक आर्थिक बाजार का केंद्र बना हुआ है। नैस्डैक को बनाने का मकसद ऐसे बाजार का निर्माण था जहां निवेशक शेयरों को तेज और पारदर्शी तरीके से कंप्यूटर की मदद से खरीदा और बेचा जा सके। आज ही के दिन महारानी एलिजाबेथ 1952 में ब्रिटेन की महारानी और राष्ट्रमंडल देशों की अध्यक्ष बनी। वह राष्ट्रमंडल के 54 राष्ट्रों और राज्य क्षेत्रों की प्रमुख है और ब्रिटिश साम्राज्य के रूप में वह अंग्रेजी चर्च की सर्वोच्च राज्यपाल हैं। राष्ट्रमंडल के 16 स्वतंत्र संप्रभु देशों की संवैधानिक महारानी हैं। एलिजाबेथ राष्ट्रकुल की अध्यक्ष व 7 स्वतंत्र देशों यूनाइटेड किंगडम की शासक रानी बनी। आज ही के दिन 1995 में आजादी के लिए संघर्ष करने वाली महिला कल्पना दत्त का निधन हुआ। देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाली पहली महिला क्रांतिकारियों में से एक थी। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारी सूर्य सेन के दल से नाता जोड़ लिया था। अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए कल्पना दत्त को वीर महिला की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा। 8 फरवरी दिन शुक्रवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है सुख ऐश्वर्य। मेष, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 34%। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग सफेद नीला तथा निषेध रंग लाल व सिंदूरी। वृष, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 79%। कार्य क्षेत्र में अपने पराक्रम में समस्याओं को नियंत्रण कर लेने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट मल्टी कलर तथा निषेध रंग गुलाबी व बसंती। मिथुन, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 71%। कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग हैं। शुभ रंग हरा सफेद तथा निषेध रंग पीला व काला। कर्क, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 77%। अधिक व्यय के कारण मन खिन्न रहने के योग हैं। शुभ रंग हर प्रकार के सफेद रंग तथा निषेध रंग काला व स्लेटी। सिंह, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 48%। किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूर्ण होने से मन प्रसन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग लाल। कन्या, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 78%। भाग्य में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग हरा सफेद तथा निषेध रंग पीला व लाल। तुला, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 88%। कार्य क्षेत्र में अनुकूलताएं बने रहने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट मल्टी कलर तथा निषेध रंग पीला व लाल। वृश्चिक, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 45%। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से तनाव उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग सिंदूरी। धनु, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 49%। जीवन साथी से तनाव उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद बसंती तथा निषेध रंग मस्टर्ड व काला। मकर, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 80%। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग लाल व पीला। कुंभ, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 81%। जमीन जायदाद से संबंधित मामले भी सुलझने के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग लाल व पीला। मीन, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 46%। पदोन्नति के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग पीला।
सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 10:36 से दोपहर 12:21 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121266888 या 0983706004 पर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे अधिक जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IMT मीडिया।